सुनिए भैया, क्या आप मेरी कार ठीक कर देंगे? उसका सेंसर काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। अब मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो पहले मैं खाना खा लूँ। तो क्या है ना, मेरे खाना खाने का वक्त हो गया है। क्यों? पहले चुपचाप काम कर, उसके बाद जो खाना है फिर खाना, समझे ना? मैं देख रही हूँ तुझे आजकल बहुत ज्यादा आलसी होता जा रहा है तू। चुपचाप काम पर ध्यान दे, समझा ना? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है, चल काम कर। जी मैम, मैं अभी कर देता हूँ। मैम आप आइए ना, आप ऑफिस में बैठ जाइए तब तक। भैया सुनिए, आप एक काम करिए, ये काम थोड़ी देर बाद में कर लीजिएगा, पहले खा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो मिनट का काम बच रहा है, उसके बाद मैं कर लूंगा। हो गया ठीक? हाँ मैम हो गया। वाह बड़ी जल्दी हो गया, कितने पैसे हो गए? 500 रुपए। क्या 500 रुपए? मैम बस 500 रुपए, वो प्लग ही तो चेंज हुआ है ना बस। अच्छा आप ये लीजिए। धन्यवाद मैम। ये लीजिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। इधर आ। क्या था ये सब कुछ? तुझसे बोला था ना अच्छा खासा बिल बनाना है, और तूने जितने का काम था उतने ही पैसे बस। तूने ना मेरा 6-7 हज़ार रुपए का नुकसान करवा दिया। बता ऐसे चलेगी मेरी दुकान? मैम मैं इतने सालों से आपकी दुकान के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी भी ना मेरी भूख नहीं देखी। हमेशा बस आप यही बोलते रहे हो कि पहले काम कर ले काम कर ले। मैंने कभी भी ना आपकी बात नहीं टाली, हमेशा आपकी बात मानी। लेकिन ये पहली बार हमारी दुकान में आई है, और कितनी भली इंसान है ये देखिए, मेरे लिए खाना भी लेके आई है। अगर ये इंसानियत दिखा सकती है तो हम इंसानियत क्यों नहीं दिखा सकते? और रही बात आपके नुकसान की मैम, तो जो भी आपका नुकसान हुआ है ना वो आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा, लेकिन मैं इनके साथ बेईमानी कभी नहीं कर सकता। मुझे माफ करना मैम। सुनो ये लो तुम्हारी सैलरी। ये क्या मैडम, आपने उस दिन के पैसे नहीं काटे इसमें से? तुझे क्या लगता है कि इंसानियत बस तेरे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है? तुझे याद है उस दिन हमारे पास एक मैडम आई थी अपनी स्कॉर्पियो लेकर, उन मैडम का हमने भरोसा जीत लिया। अब उनकी गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना तो वो सीधा हमारे पास आती है, कहीं और जाती नहीं। देखो वो हम पर भरोसा करती है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने उनसे जायज पैसे लिए थे। अगर हम उन्हें 5,000 का चूना लगा देते तो शायद वो लौट कर कभी हमारी दुकान पर नहीं आती। तो जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ अच्छा ही करता है। हम लोगों को कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, तभी ऊपर वाला हमें तरक्की देगा। और तूने ना मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तू मुझे बताइयो, मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगी। ठीक है मैम। ठीक है चल अब काम कर लेते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ, अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है कोई भी कंटेंट है हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर। ठीक है तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। राम राम।